मुरादाबाद ट्रेनों में लूटपाट से दहशत का परिये बन चुके 20,000 के नामी बदमाश शरीफ उर सकिया को जीआरबी मुरादाबाद ने आज कटघर थाना क्षेत्र के डबल फाटक से गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा आज खुद एसपी रेल सुभाष चंद दुबे ने रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने पर किया। जीआरपी के मुताबिक ये पिछले 4 सालों से फरार था और इसने मंडल में कई ट्रेन डकैतियों को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। एसपी रेल सुभाष चंद दुबे ने बताया कि आरोपी शफी उर्फ शकिया को पिछले 4 सालों से जीआरपी तलाश रही थी। इससे पहले कई साथियों के साथ मिलकर 17 अप्रैल 2014 को पद्मावत एक्सप्रेस में लूट की थी। इसके 5 दिन बाद ही इसने 22 अप्रैल 2014 को लखनऊ मेल के एसी कोच में कई यात्रियों के साथ लाखों की लूट की थी। जीआरपी के लिए बड़ी सफलता इसलिए भी है क्योंकि लगातार फरार रहने से जीआरपी की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे थे। जीआरपी अधिकारियों के मुताबिक सकिया की गिरफ्तारी से ट्रेनों में होने वाले अपराधों में भी कमी आ गई और कमी आएगी। जीआरपी के रिकॉर्ड में इस पर ट्रेनों में लूट के 4 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य थानों को भी इस अपराधी की डिटेल भेजी जा रही है। और उसके पहले 17 अप्रैल 2014 को पद्मावत एक्सप्रेस के एसी कोच में इसने अपने 6 अन्य साथियों के साथ डकैती की घटना को रनिंग ट्रेन में अंजाम दिया था। इसके ग्रुप के अन्य सभी साथी एक एक करके गिरफ्तार हो गए हैं। इसके ऊपर जीआरपी की तरफ से 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और ये अप्रैल 2014 से फरार चल रहा था। ये दिल्ली में, जैसा कि इसने बताया है, फेरी चप्पल की लगा रहा था और वहाँ पर अपना नाम मोहम्मद रईस के नाम से प्रचारित कर रखा था। नाम बदल करके दिल्ली की इंद्रलोक कॉलोनी में रह रहा था। यहाँ के प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत और उनकी टीम द्वारा निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। इस क्रिमिनल को ट्रेस करके दिल्ली से बाहर निकाला गया है और विधिवत आगे विधिक कार्रवाई करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। संभावना है कि इस 4 साल में भी इसके द्वारा फेरी के अलावा कोई अन्य आपराधिक घटनाएं अंजाम न की गई हो, इसको लेकर के आगे भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इसके कब्जे से तमंचे कारतूस भी बरामद हुए हैं। साथ ही अभी पुलिस इससे डिटेल में इंट्रोगेशन करेगी क्योंकि 4 साल से ये अपना नाम बदल करके दिल्ली की इंद्रलोक कॉलोनी में रह रहा था, इसलिए संभावना है कि वहाँ भी ये कुछ अन्य आपराधिक वारदातों में शामिल रहा। विस्तृत पूछताछ अभी जारी है।